वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से जिला कुल्लू में आयोजित की गई मिस्टर हिमाचल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला के रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। रोहित शर्मा ने ये खिताब 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में किया है। ये प्रतियोगिता जिला कुल्लू में आयोजित की गई थी। तो वहीं उन्होंने जिला मंडी में आयोजित ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रदेश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। हमीरपुर पहुंचने पर रोहित शर्मा का प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य एवं समाजसेवी आशीष शर्मा ने उनका स्वागत किया, उन्हें बधाई दी और उनके भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि आशीष शर्मा ने ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तैयारी करने के लिए रोहित को मदद प्रदान की है। राज्य स्तर पर हमीरपुर जिला का नाम रोशन करने के बाद हमीरपुर पहुंचे रोहित शर्मा का प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य एवं समाज सेवी आशीष शर्मा ने स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित भी किया। रोहित पेशे से पहलवान है और जिम का संचालन भी करते हैं। वे राष्ट्र स्तरीय जूडो खिलाड़ी भी रह चुके हैं। वे 5 बार जूडो स्टेट चैंपियन, 6 बार अंतर विश्वविद्यालय जूडो प्रतियोगिता, 5 बार सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में तैयारी करने के लिए हर दिन जिम में रोजाना 4 से 5 घंटे मेहनत करते हैं। उन्होंने इस सफलता का श्रेय माता पिता, भाई और डाइटिशियन व अपने मेंटोर को दिया। साथ ही उन्होंने इस प्रतियोगिता में तैयारी के लिए वित्तीय सहायता करने व स्पॉन्सरशिप देने के लिए आशीष शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्हें किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और आने वाले दिनों में प्रतियोगिता में अपने बेहतर प्रदर्शन करते हुए वे मिस्टर हिमाचल बनना चाहेंगे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करने का भी आह्वान किया। सर, कहना तो ये है कि जैसे मैं कंपटीशन, पहले तो 2 साल कोरोना लगा रहा तो किसी भी कंपटीशन लड़ने के पहले हालात नहीं थे, कुश्तियाँ टूर्नामेंट सब कुछ बंद थे। तो बॉडी बिल्डिंग गेम जो है बहुत टफ गेम है, तो उसके लिए मतलब बहुत सारा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। तो इसमें तो स्पॉन्सरशिप जो है वो आशीष भाई द्वारा दी गई थी, जितना भी खर्चा था बॉडी बिल्डिंग का डॉक्टर आशीष भाई द्वारा किया गया। तो इनका सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो कंपटीशन था बहुत टफ था, लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन आई और ओपन वेट कैटेगरी में मेरी 4th पोजीशन आई पूरे हिमाचल में जो ओपन वेट कैटेगरी होते। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब गेम खेल के, फर्स्ट टाइम था मेरा वैसे बॉडी बिल्डिंग में। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या आगे क्या क्या करना चाहेंगे आगे? आगे का तो यह है, मैं मिस्टर हिमाचल का खिताब जीतना चाहूँगा। पहले तो आगे की रणनीति ये है मेरी। तो अभी तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला खेल के लिए, क्योंकि काफ़ी कम समय में मैंने ये अचीवमेंट ली है। तो आगे से मैं पहले से ही सब चीज़ों के लिए तैयार रहूँगा। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? युवाओं के लिए संदेश यह है कि अपने नशा नुशा वगैरह को दूर रहें और खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखाएँ और अपना अच्छा खाएं पिएं। जरूरी नहीं है कि हर कोई बॉडी बिल्डिंग या हर कोई गेम खेले, लेकिन फिर भी अपना अच्छा खाएं और तंदुरुस्त रहें, अपनी अच्छी डाइट वाइट लें बस। प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य आशीष शर्मा ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेश में बड़े स्तर पर कुश्ती मेले इत्यादि नहीं हो रहे हैं, ऐसे में रोहित समेत कई युवाओं को परेशानी आ रही थी। उन्होंने मुश्किल हालत में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिला का नाम रोशन किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ये मेरे पड़ोसी भी हैं और वैसे ये पहलवान भी हैं, कुश्तियाँ भी लड़ते हैं हैप्पी जी। और इन्होंने अभी बॉडी बिल्डिंग की मुझे 2-3 महीने पहले बताया था कि ऐसे ऐसे हमारा एक टूर्नामेंट होना है स्टेट लेवल का। तो भाई साहब, आजकल कोरोना की वजह से हमारी कुश्तियों का भी नहीं चला हुआ है कार्यक्रम, कुश्तियाँ भी बंद है, आपने देखा ही होगा, छिंजे वगैरह सारी बंद है स्टेट में। तो इन्होंने बोला कि मैं इस तरफ तैयारी करना चाहता हूँ। इन्होंने जिम भी ओपन किया हुआ है एक कैरवी में, ये वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, युवाओं को भी वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह सारे सिखाते हैं। तो ये मेरे पास आए थे तो मैंने अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की थी कि ये भाई आगे बढ़े हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमें खुशी होती है कि ये कुछ ना कुछ हमीरपुर के लिए, स्टेट के लिए कुछ अचीव करके लाएँ, तो बड़े सौभाग्य की बात होती है ये। इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि मतलब कैसे फिट रहना है और कैसे बुरी आदतों से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। और यही बाकी इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं, जो इन्होंने परफॉर्म किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सिल्वर मेडल ये लेके आए हैं अंडर 70-80 kg जो इनकी कंपटीशन था, और ओपन में 4th पोजीशन पर ये हिमाचल में रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं इनको।